गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए करते हैं फटाफट इस बुलेटिन की शुरुआत। आज की पहली खबर बैंक लॉकर रखने वालों के लिए है। आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर तक सभी बैंक लॉकर ग्राहकों को अपने बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। ऐसा ना करने वाले ग्राहकों को बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा है। बैंक ग्राहकों को SMS और ईमेल के जरिए ऐसा करने को कह रहे हैं। EPFO अब अपने निवेश से प्राप्त आय को फिर से शेयर बाजार में लगा सकेगा। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को शेयर बाजार में निवेश करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि निवेश के लिए एक तय सीमा का पालन करना होगा। अभी EPFO एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF के जरिए ही निवेश करता है, लेकिन अब EPFO इक्विटी और इससे जुड़े अन्य साधनों में भी अंशधारकों का पैसा निवेश कर सकेगा। इससे अंशधारकों को ऊंची दर से ब्याज भुगतान करना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा। ICICI बैंक ने बल्क FD पर बदली ब्याज की दर। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक वाली FD पर ब्याज दर को बढ़ाया है। नई दरें 4 सितंबर को लागू हो चुकी हैं। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली FD पर 4.75% से लेकर 6.75% तक का ब्याज देगा। बल्क FD पर अधिकतम 7.25% ब्याज मिलेगा। पिछले 5 साल में इलाज कराने का खर्च 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। पॉलिसी बाजार के सर्वे में ये बात पता चली है। पिछले 5 साल में इलाज का खर्च 160% बढ़ा है। मेट्रो शहरों में उपचार की लागत औसत से ज्यादा बढ़ी है। दरअसल कोरोना के दौरान अस्पतालों ने नई सुविधाएं जोड़ी, संक्रमण के बचाव के लिए कुछ नए उपाय किए, इस पे इलाज का खर्च बढ़ गया। महामारी खत्म होने के बाद खर्च में कोई कटौती नहीं हुई, बल्कि खर्च की लागत और ज्यादा बढ़ गई। देश में सामान्य महंगाई 7% के स्तर पर है, जबकि हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन 14% यानी 2 गुनी तेजी से बढ़ी है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी किश्त निवेश के लिए 11 सितंबर से उपलब्ध होगी। निवेशक 15 सितंबर तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में बोली लगा सकेंगे। अभी सरकार ने निवेश के लिए कीमत की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है RBI जल्द ही निवेश के लिए कीमत की घोषणा करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारत सरकार की तरफ से RBI जारी करता है। डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का ये सबसे आसान, किफायती और सुरक्षित तरीका है। अब आप UPI से कर सकेंगे डिजिटल रुपए में भी लेन देन। SBI और IDFC फर्स्ट बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप को UPI के साथ इंटरकनेक्ट कर दिया है। ग्राहक अब बिना किसी परेशानी के किसी भी UPI QR कोड को आसानी से स्कैन कर डिजिटल रूप में भुगतान कर सकेंगे। व्यापारी और ग्राहक दोनों डिजिटल रुपए में आसानी से लेन देन करने में सक्षम होंगे। बैंकों के इस कदम से डिजिटल रुपए को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती संख्या से सेवी सचेत हो गया है। निवेशकों तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए सेवी इन वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स विभिन्न डिजिटल माध्यम से लोगों को निवेश के बारे में सलाह देते हैं। फिन इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट करने के लिए 7.5 लाख रुपए तक लेते हैं और अपनी राय से लोगों के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। सेवी को इस बात की आशंका सता रही है कि अनियंत्रित इन्फ्लुएंसर जोखिम बढ़ा सकते हैं और पक्षपातपूर्ण या भ्रामक सलाह भी दे सकते हैं। अगर आप PPF सुकन्या समृद्धि जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो 30 सितंबर तक अपने खातों को पैन और आधार से जरूर लिंक करा लें। ऐसा ना करने पर आपका लघु बचत खाता फ्रीज हो जाएगा, इसे लेन देन करने में आपको परेशानी होगी। सरकार ने लघु बचत खातों को पैन और आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की है, जो तेजी से नजदीक आ रही है। IT ऑटो जैसे क्षेत्रों की कंपनियां मंदी को लेकर सतर्क रुख अपना रही है। इस वजह से अगस्त में ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती में 6% की गिरावट आई है। IT बीमा, ऑटो, स्वास्थ्य देखभाल और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में कंपनियां नई भर्तियों को लेकर अधिक सतर्क हैं। इस साल अगस्त में 2,666 नौकरियां आई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये आंकड़ा 2,828 था। रोजगार के मोर्चे पर अब आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट त्योहारी सीजन से पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार देगी। ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में ये भर्तियां की जाएंगी। कंपनी ने कहा है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को भी नौकरी देगी। द बिग बिलियन डेज सेल में बड़े पैमाने पर बिक्री होती है। छूट मिलने से ग्राहक जमकर खरीदारी करते हैं।
अगर आप इस त्यौहार नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बाजार में एक नई SUV आ गई है। होंडा ने फेस्टिव सीजन से पहले बाजार में अपनी नई SUV एलिवेट को उतारा है। कंपनी का कहना है कि साल 2030 तक भारतीय बाजार में 5 और SUV लॉन्च करेगी। कंपनी का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ते SUV सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को और मजबूत बनाना है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहां पर 7 भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।